Assalamu alaikum everyone, this is Nadeem Khan here. I'm a clinical nutritionist and registered dietitian. Today we are going to discuss about Moringa oleifida and what its role in the diabetes management. So basically Moringa, jisko Urdu mein hum suhanjna bhi kehte hain, ye naam humare liye bilkul bhi naya nahi. We have a very strong and prominent history of Moringa oleifida. Bahut hamare palaces mein kings or queens iska istemal apni mental alertness ke liye, skin problems aur eyesight ke liye karte rahe. Iske ilawa hikmat pe bhi iska bahut prominent role hame nazar aata hai in the treatment of eyesight, asthma, anemia and many other health issues. Iske ilawa agar hum baat kare, jaise ki main aapko uske naam se Moringa oleifida jo hai wo bata rahi hu. What is basically oleifida? Oleifida is a specific species which has a lot of advantages and which we will talk about today, what are the nutritional benefits in our life and our health. So basically it's a very rich source of plant with having multiple vitamins and minerals. Vitamins, we have vitamin A, vitamin B, C, D and vitamin K. इसके अलावा मिनरल्स में वी हैव कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, कॉपर और जिंक. इसकी काफ़ी मिकदार जो है वो मोरिंगा ओलिफेरा में पाई जाती है. नाउ द क्वेश्चन इज कि मोरिंगा ओलिफेरा जो है वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए किस तरह हेल्पफुल है. मोरिंगा ओलिफेरा में नेचुरल 41 एंटी ऑक्सीडेंट्स जो है वो पाए जाते हैं और एंटी ऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स को फाइट करने में हमारी हेल्प करते हैं. और यही फ्री रेडिकल से जब हम फाइट करते हैं तो ना सिर्फ हमें कैंसर प्रिवेंशन मिलती है बल्कि बॉडी के अंदर सोजिश इन्फॉर्मेशन भी कम होती जाती है. और एज सून दिस इन्फॉर्मेशन गेट रिड्यूस तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए इंसुलिन रेजिस्टेंस का जो है वो मैनेज होना नॉर्मल होना शुरू हो जाता है. ईदर यू आर टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स और टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स, मोरिंगा ओलिफेरा हैज़ इक्वल बेनिफिट्स टू यू. तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर आई साइट के बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं. डायबिटीज़ उनकी आई साइट को इफेक्ट कर रही होती है, काला मोतिया, सफ़ेद मोतिया का जो है वो मसला बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स को देखने को आया, तो उनके लिए भी मोरिंगा ओलिफेरा इज़ वेरी गुड. इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट्स की नर्व्स जो है वो बहुत वीक हो जाती है, मोरिंगा ओलिफेरा उनको जो है स्ट्रेंथन करने में, स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प आउट करता है. Now the question is कि how we can use Moringa oleifera in our diet. तो always remember that every diabetic patient is an individual patient. हर diabetic patient की अपनी requirement है, अपनी individual requirement है. तो always seek and professional help before using Moringa oleifera. तो इसको किस combination में और किस quantity के अंदर अपनी diet के अंदर incorporate. तो बहुत सारे सप्लीमेंट्स की फॉर्म में मोरिंगा ओलिफेरा जो है इज अवेलेबल इन द मार्केट. इट इज़ अवेलेबल इन पाउडर फॉर्म, इट इज़ अवेलेबल इन कैप्सूल्स फॉर्म, इन मोरिंगा ऑयल फॉर्म एंड इट लीव्स इटसेल्फ. तो बेसिकली आप इसको अपने घर में भी ग्रो कर सकते हो. जैसे आपको मेरे इर्द गिर्द नज़र आ रहा होगा कि बहुत सारे मोरिंगा प्लांट्स जो हैं वो ग्रो आप अपने, इट्स वेरी ईजी टू ग्रो एट. और ये सदका जारिया भी है. और इसके अलावा अगर आप लोगों को में से किसी को मोरिंगा प्लांट्स चाहिए हो तो आप हमें इनबॉक्स भी कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी हमें बता सकते हैं. तो ये आप अपनी डाइट के अंदर बहुत सारी रेसिपीज़ में इसको डाल सकते हैं. यू कैन ऐड मोरिंगा पाउडर इन योगर्ट, इन स्मूदीज, इन सैलड्स, इन मैनी अदर एंड मेक मैनी अदर रेसिपीज़ ऑफ टीज एज वेल. लेकिन इसका क्वांटिटी का तायुन आपकी जो है डाइट्रेशन करेगी कि किस फॉर्म में आप इसको यूज़ करेंगे और किस तरह आप इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे. इसके अलावा अगर आप लोगों की कोई क्वेश्चन और यू वांट सम काइंड ऑफ रेसिपीज़ इन मोरिंगा तो आप कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हैं और इनबॉक्स में पूछ सकते हैं.